Hello everyone, I am Professor N.B. Jatte, welcomes you all in the 13th lecture of Industrial AC Machine subject. So my dear students, we have discussed the alternator on the load, this point in the last lecture, right? So in that, when we are connecting the load to the alternator, then the terminal voltage of the alternator changes, right? So this terminal voltage in the alternator will be changed due to the three reasons. First one is the voltage drop due to the armature resistance RA. Second one is the voltage drop due to the armature leakage reactance XL. And third one is the voltage drop due to the armature reaction. So ye sare points humne last lecture mein dekhe hain. What is armature resistance, then what is armature leakage reactance, then what is armature reaction in alternator, ठीक है, ये सारे points मैंने last lecture में आपको explain किए हैं, ठीक है, ये तीनों power factor के लिए उसके waveform and phasor diagram हमने already discuss किए हैं last lecture में. Now in today's lecture we are going to discuss about synchronous reactance and synchronous impedance. So what is synchronous reactance? So synchronous reactance is the combined effect of the armature leakage reactance and the armature reaction. Synchronous reactance kya hota hai? Ye armature leakage reactance and armature reaction ka combined effect hota hai. Theek hai? Synchronous reactance manje kya hai? Tar te armature leakage reactance and armature reaction cha combined effect asto. Tela apan synchronous reactance asa manto. सो सिंक्रोनस रिएक्टन्स चा जो सिंबॉल आहे तो आहे एक्स एस. एक्स म्हणजे रिएक्टन्स आणि बेसला एस जर लिहिलं तर ते तो सिंबॉल असतो सिंक्रोनस रिएक्टन्सचा. ठीक आहे, पुढे आपण त्याचा फॉर्म्युला पाहणार आहे. देन नेक्स्ट पॉइंट आहे, वेन द सिंक्रोनस रिएक्टन्स इज कंबाइंड वेक्टोरियली. जब हम सिंक्रोनस रिएक्टन्स को कंबाइन करते हैं वेक्टोरियली with the armature resistance, then the quantity is called as synchronous impedance. तब उस quantity को बोलते हैं हम synchronous impedance. Clear है? जो वह synchronous reactance अपन vectorially combine करतो armature resistance सोबत, तो वह त्या quantity ला म्हणतो अपन synchronous impedance. ठीक है? So आतापर्यंत जे अपन points पाहिले on that about discussion, it is clear that the same field excitation, for the same field excitation, the terminal voltage is decreased from its no load value E0 to V. ठीक है, आतापर्यंत जे डिस्कशन पाहिलं आपण त्यावरून आपण आपल्याला असं क्लियर होतं की सेम फील्ड एक्साइटेशन साठी तिथलं टर्मिनल व्होल्टेज हे डिक्रीज होतं त्याच्या नो लोड व्हॅल्यू ई झिरो पासून त्याच्या फुल लोड व्हॅल्यू व्ही पर्यंत. ठीक आहे, क्योंकि हमने आर्मेचर रिएक्शन भी लास्ट लेक्चर में देखा है. ठीक है, तो ये सारा डिस्कशन हमने ऑलरेडी देखा है. तो इससे क्या क्लियर होता है अपने को कि सेम फील्ड एक्साइटेशन के लिए वहाँ का टर्मिनल वोल्टेज जो है वो इस उसके नो लोड वैल्यू ई जीरो से वी तक डिक्रीज होता है. और वो क्यों डिक्रीज होता है उसका रीजन्स भी हमने ऑलरेडी देखे हैं. ड्रॉप ड्यू टू द आर्मेचर रेजिस्टेंस होता है यानी आई आर ए. देन सेकंड है ड्रॉप ड्यू टू द लीकेज रिएक्टेंस दैट इज आई एक्स एल. एंड थर्ड वन है ड्रॉप ड्यू टू द आर्मेचर रिएक्शन. ठीक है, तो ये पॉइंट्स अल्टरनेटर ऑन लोड में भी हमने देखे हैं ऑलरेडी. ठीक है, सो नेक्स्ट पॉइंट है द ड्रॉप इन द वोल्टेज ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन मे बी अकाउंटेड फॉर अज्यूमिंग द प्रेजेंस ऑफ अ फिक्टिटियस रिएक्टेंस एक्स ए इन द आर्मेचर वाइंडिंग. अभी जो ड्रॉप होता है वोल्टेज में आर्मेचर रिएक्शन की वजह से वहां पे मे बी अकाउंटेड फॉर अज्यूमिंग द प्रेजेंस ऑफ अ फिक्टिटियस रिएक्टेंस एक्स ए. वहां पे हम क्या करते हैं फिक्टिटियस रिएक्टेंस का प्रेजेंस है ऐसा अज्यूम करते हैं आर्मेचर वाइंडिंग में. ठीक है, वहां फिक्टिटियस यानी इमेजिनरी रिएक्टेंस, वहां पे इमेजिनरी रिएक्टेंस का प्रेजेंस है वहां पे आर्मेचर वाइंडिंग में ऐसा हम अज्यूम करते हैं. ठीक है, आर्मेचर रिएक्शन.
समजलं, तर ड्रॉप जो होतोय व्होल्टेज मध्ये आर्मेचर रिॲक्शन मुळे, त्यामुळे तो अकाउंटेड असतो. कशासाठी अकाउंटेड असतो? तर आपण असं झूम करतोय की आर्मेचर वाइंडिंग मध्ये तिथे एक इमॅजिनरी रिॲक्टन्सचा प्रेझेन्स असतो, आणि तो इमॅजिनरी रिॲक्टन्स आहे आपला एक्स ए. आणि द व्हॅल्यू ऑफ एक्स ए इज द सच दॅट, त्याची व्हॅल्यू अशा प्रकारे घेतो आपण की दॅट आय एक्स ए रिप्रेझेंट द व्होल्टेज ड्रॉप ड्यू टू द आर्मेचर रिॲक्शन. आय एक्स ए म्हणजे काय असणार आहे? तिथला व्होल्टेज ड्रॉप ड्यू टू द आर्मेचर रिॲक्शन असणार. जसं आर्मेचर रेझिस्टन्स मध्ये कुठला ड्रॉप होतो? आपला आय आर ए. लिकेज रिॲक्टन्स मुळे कुठला ड्रॉप होतो? आपला आय एक्स एल. तसा आता इथं जो फिक्टिटीयस रिॲक्टन्स घेतलाय आपण आर्मेचर वाइंडिंगचा, ठीक आहे, म्हणजेच त्याच्यामुळे जो फिक्टिटीयस किंवा इमॅजिनरी रिॲक्टन्स एक्स एमुळे जो ड्रॉप होतोय आर्मेचर वाइंडिंग मध्ये व्होल्टेज ड्रॉप, तो आहे आपला आय इन टू एक्स ए. क्लिअर आहे? सो दी लिकेज रिॲक्टन्स एक्स एल और एक्स पी, ठीक है, जो लीकेज रिएक्टेंस है एक्स एल अपना, या फिर उसको एक्स पी से डिनोट कर सकते हो आप, एंड द आर्मेचर रिएक्टेंस एक्स ए मे बी कंबाइंड टू गिव द सिंक्रोनस रिएक्टेंस एक्स एस. ठीक है, यहाँ पे क्या करना है आपको, लीकेज रिएक्टेंस एक्स एल एंड वहां के आर्मेचर रिएक्टेंस एक्स ए को कंबाइन करना है, और वो दोनों कंबाइन करने के बाद हमें वैल्यू किसकी मिलती है? सिंक्रोनस रिएक्टेंस की एक्स एस. उसकी वजह से एक्स एस का फॉर्मूला क्या लिखेंगे अपन? एक्स एल प्लस एक्स ए. क्लियर है? ये दोनों का कॉम्बिनेशन लेना है, तो इसको बोलते हैं सिंक्रोनस रिएक्टेंस. ये है आपका लीकेज रिएक्टेंस, और ये है आपका क्या है, ये आपका फिक्टिटियस रिएक्टेंस इन इमेजिनरी रिएक्टेंस इन आर्मेचर वेंट. क्लियर है? नाउ देयरफॉर द टोटल वोल्टेज ड्रॉप इन द अल्टरनेटर अंडर लोड, तो टोटल वोल्टेज ड्रॉप जो होता है अल्टरनेटर में लोड देने के बाद, तो टोटल ड्रॉप क्या रहेगा आपका? आई आर ए, यानी ये ड्रॉप किसमें का होगा? आपके आर्मेचर वाइंडिंग का, प्लस जे इंटू आई एक्सेस. आई एक्सेस यानी सिंक्रोनस रिएक्टेंस में का जो ड्रॉप है, ठीक है, वो आई एक्सेस है. ठीक है, सो आई आर ए प्लस जे इंटू आई एक्सेस लिखा फॉर्मूला, तो दैट इज इक्वल टू आई, ये दोनों में से कॉमन निकलेगा आई, ब्रैकेट में बचेगा आर ए प्लस जे इंटू एक्सेस. और आर ए प्लस जे इंटू एक्सेस का फॉर्मूला क्या है अपना? जेड एस, क्योंकि ये इम्पीडेंस का फॉर्मूला है आर प्लस जे ऑफ एक्स जनरल में, तो यहाँ पे सिंक्रोनस रिएक्टेंस अपन डिनोट करेंगे जेड एस से. ठीक है, तो आई इंटू जेड एस ये फॉर्मूला मिल गया अपने को. सो हेयर जेड एस इज नोन एज सिंक्रोनस इम्पीडेंस ऑफ द आर्मेचर. क्लियर है? So hence we learn that the vector difference between no load voltage E0 and the terminal voltage V is equal to I ZS. तो यहाँ पे जो vector difference ले रहे हैं अपन no load voltage E0 and terminal voltage V में, वो equal रहेगा I ZS से. ठीक है, vector difference किस में का लेना है? E0, ये यहाँ पे vector diagram में दिखा है, ये E0 का फेजर है एंड टर्मिनल वोल्टेज का फेजर ये है अपना. ये दोनों में जो वेक्टर डिफरेंस लेंगे अपन वो होगा इक्वल टू आई जेड एस से. ठीक है, यानी ये दोनों का रिजल्टेंट वी एंड ई जीरो का रिजल्टेंट क्या लिया हमने यहाँ पे? आई इंटू जेड एस. क्लियर? ये वेक्टर डायग्राम आपको समझ में आना चाहिए. ये देखो टर्मिनल वोल्टेज वी का ये फेजर है, ये ई जीरो का फेजर है अपना. ठीक, अब ये इससे लैगिंग में ये करंट लिया, करंट का फेजर रहेगा आपका आई का. ठीक है, बी के लैगिंग में होगा ये करंट फाइव डिग्री से, तो ये करंट का फेजर रहेगा. अभी बी से यहाँ पे आर्मेचर वाइंडिंग में जो ड्रॉप होगा वो डिनोट किया था अपन ने आई आर, तो ये आई आर ए रहेगा आपका. ठीक है, और उससे 90 डिग्री से यहाँ पे आगे फेजर होगा आई एक्स एल का. ठीक है, तो ये आई एक्स एल का फेजर रहेगा, उसके ऊपर आपका आई एक्स ए रहेगा. ठीक है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन एक्स ए एंड एक्स एल यानी आई एक्स एस रहेगा. ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे दिया था कॉम्बिनेशन एक्स एस इज इक्वल टू एक्स एल प्लस ए बोला था हमने, तो एक्स एल प्लस एक्स ए करेंगे तो क्या मिलेगा अपने को? एक्स एस, ये दोनों का कॉम्बिनेशन यानी आई एक्स एस होगा अपना. ठीक है, और ये आई आर ए और आई एक्स एस मिलके होगा आपका आई जेड एस, ये डॉटेड फेजर.
और ये E का फेजर यहाँ पे कनेक्ट करना है अपने को, ई जीरो ये यहाँ पे है, ई का फेजर यहाँ पे कनेक्ट करना है, ठीक है, यानी आई आर ए एंड आई एक्स एल, ये इसका जो रिजल्टेंट मिलेगा यहाँ पे आपको ई का फेजर। तो ये आपकी वेक्टर डायग्राम या फेजर डायग्राम है, ठीक है। नाउ सेकंड है लीकेज रिएक्टेंस, लीकेज रिएक्टेंस ऑलरेडी देखा है हमने, ठीक है। फर्स्ट उसमें था वोल्टेज ड्रॉप ड्यू टू दी, हमने क्या देखा आर्मेचर रेजिस्टेंस, लीकेज रिएक्टेंस एंड आर्मेचर रिएक्शन, ये तीन पॉइंट्स हैं। तो इसमें लीकेज रिएक्टेंस ऑलरेडी डिस्कस किया हमने अल्टरनेटर ऑन लोड ये पॉइंट में, ठीक है, लेकिन फिर भी हम एक बार इसकी डेफिनेशन देखते हैं लीकेज रिएक्टेंस क्या होता है। द वर्किंग फ्लक्स डज नॉट ओनली पास थ्रू द इंटेंडेड पाथ, जो वर्किंग फ्लक्स होता है वो इंटेंडेड पाथ से ही पास नहीं होता है, तो सम पार्ट ऑफ वर्किंग फ्लक्स विल बी लॉस्ट ड्यू टू लीकेज। वो जो पार्ट होता है, सम पार्ट जो होता है वर्किंग फ्लक्स का, वो लॉस्ट होता है वहाँ के लीकेज की वजह से। हेंस लीकेज रिएक्टेंस इज डिफाइन एज, तो लीकेज रिएक्टेंस कैसे डिफाइन करेंगे, एज द फैक्टर और पैरामीटर विच रिप्रेजेंट द लीकेज फ्लक्स, ठीक है। लीकेज रिएक्टेंस इज डिफाइन एज द फैक्टर और पैरामीटर विच रिप्रेजेंट द लीकेज, एक ऐसा फैक्टर है या पैरामीटर है जो क्या करता है वहाँ के लीकेज फ्लक्स को रिप्रेजेंट करता है, दैट इज कॉल्ड एज लीकेज रिएक्टर। मतलब वर्किंग फ्लक्स है त्याचा इंटेंडेड पाथ मधूनच फ्लो होईल, पास होईल, पास होत नाही आहे, ठीक आहे। तर काही जो पार्ट असतो तिथे वर्किंग फ्लक्सचा तो लॉस्ट होतो तिथे लिकेजमुळं, त्यामुळे लिकेज रिएक्टन्सची डेफिनेशन सांगितली इथं की तो एक असा फॅक्टर आहे किंवा पॅरामीटर आहे की जो काय रिप्रेझेंट करतो तिथलं लिकेज फ्लक्स, ठीक। किंवा दुसरी डेफिनेशन आहे वेन द आर्मेचर कॅरीज द करंट, किंवा आर्मेचरमधून करंट कॅरी केला जातो, देन इट प्रोड्युसेस अ ओन फ्लक्स, किंवा आर्मेचर काय करतं तिथं एक स्वतःचं फ्लक्स तिथं तयार करतं, अँड सम पार्ट ऑफ फ्लक्स कम्प्लीट इट्स पाथ टू द एअर अराउंड द कंडक्टर इट्सेल्फ, आणि त्या पूर्ण फ्लक्सचा जो पार्ट आहे तो पार्ट काय करतं, त्या पूर्ण फ्लक्सचा जो पार्ट आहे तो त्याचा पाथ कम्प्लीट करतं, कसं कम्प्लीट करतं, तर कंडक्टरच्या अराउंड मध्ये जी एअर आहे त्याच्यामधून ते त्याचा पाथ कम्प्लीट करत असतो, ठीक आहे। कि जब हमारे आर्मेचर से करंट कैरी किया जाता है तब वहां पे आर्मेचर का खुद का एक फ्लक्स प्रोड्यूस करता है, और उस टोटल फ्लक्स का जो सम पार्ट होता है वो क्या करता है, उसका पाथ कंप्लीट करता है जो एयर के अराउंड में, कंडक्टर के अराउंड में जो एयर होती है उससे वो फ्लक्स याद करता है, उसका पाथ कंप्लीट करता है, तो उसी को बोलते हैं लीकेज फ्लक्स। The equivalent reactance due to this leakage flux is called as leakage reactance. और इसका जो equivalent reactance होता है leakage flux की वजह से उसको बोलते हैं leakage reactance. Clear है? ये हो गया अपना leakage reactance. Then third point है armature reaction reactance. So the effect of armature flux on the main flux is called as armature reaction. Already definition देखा है हमने, जो effect होता है armature फ्लक्स का मेन फ्लक्स के ऊपर उस इफेक्ट को बोलते हैं आर्मेचर रिएक्शन, एंड द पैरामीटर विच रिप्रेजेंट द आर्मेचर रिएक्शन एट वेरियस पावर फैक्टर और लोड कंडीशन दैट इज कॉल्ड एज आर्मेचर रिएक्शन रिएक्टेंस। और जो पैरामीटर वहां पे आर्मेचर रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है वेरियस पावर फैक्टर या फिर लोड कंडीशन के लिए उसको बोलते हैं आर्मेचर रिएक्शन रिएक्टेंस। समझ में कि जो इफेक्ट आहे आपला आर्मेचर फ्लक्स मेन फ्लक्स वरती त्या इफेक्टला आपण म्हटलं होतं आर्मेचर रिएक्शन आहे, या आर्मेचर रिएक्शनची डेफिनेशन सांगितली होती आपण, आणि जो पॅरामीटर तिथल्या आर्मेचर रिएक्शनला रिप्रेझेंट करतो तिथल्या वेगवेगळ्या पॉवर फॅक्टरसाठी किंवा वेगवेगळ्या लोड कंडिशनसाठी त्या फॅक्टरला किंवा त्या पॅरामीटरला नाव दिलेलं आपण आर्मेचर रिएक्शन रिएक्टर। क्लिअर आहे? नाउ This is again one important point from the alternator, that is concept of load sharing. Any of the times this question might be asked in your examination for 4 marks. बऱ्याच वेळेला हा क्वेश्चन तुमच्या मेन एक्झाम मध्ये विचारला गेलेला आहे 4 मार्कासाठी,
सेटिंग त्यामुळे हा क्वेश्चन आपण पाहतोय. कन्सेप्ट ऑफ लोड शेअरिंग, ठीक आहे. तर एक डायग्राम दिसते तुम्हाला, हियर ई वन इज द इंड्यूस ई एम एफ, ठीक आहे, इन मशीन वन. देन ई टू इज द इंड्यूस ई एम एफ इन मशीन टू, ठीक आहे. देन दिस इज द झेड वन, झेड वन इज द सिंक्रोनस इम्पिडन्स पर फेज ऑफ मशीन वन. झेड टू इज द सिंक्रोनस इम्पिडन्स ऑफ द मशीन टू. देन आय वन इज द करंट फ्लोइंग थ्रू, टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द टू मशीन्स, ठीक आहे. सॉरी, हा टोटल जो करंट आहे, आय हा टोटल करंट आय आहे जो दोन मशीनना सप्लाय केलेला आहे. आणि आय वन म्हणजे आपला आहे या मशीन वन मधून करंट आय वन फ्लो होतोय, आणि या मशीन टू मधून आय टू करंट फ्लो होतोय. आणि या दोघांची जेव्हा हे दोघं जेव्हा या पॉइंटला येतील तेव्हा दोघं ते दोन्ही ऍड होतील आणि ते पुढे टोटल करंट मिळेल आपल्याला. क्लिअर आहे. हे आपलं व्होल्टेज असणार आहे व्ही, आणि हा आपला टोटल इम्पिडन्स असणार आहे झेड. क्लिअर आहे. सो दिस इज द डायग्राम फॉर लोड शेअर. नाउ व्हॉट इज लोड शेअर? सो कन्सिडर टू मशीन्स ऑपरेटिंग इन पैरेलल विद अ कॉमन टर्मिनल वोल्टेज ऑफ वी वोल्ट्स. यहाँ पे दो मशीन्स कंसिडर करने हैं अपने को और दोनों ऑपरेट करने हैं पैरेलल में. यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये पैरेलल में कनेक्टेड है दोनों मशीन्स. इसका टर्मिनल वोल्टेज होगा आपका वी वोल्ट्स एंड वहां का लोड इम्पिडेंस रहेगा आपका जेड, ठीक है. यह है फर्स्ट पॉइंट. तो दोन मशीन्स अपन कन्सिडर के लिए आणि त्या दोन्ही मशीन्स अपन पैरेलल मध्ये कनेक्ट केलेले आहेत, ठीक आहे. आणि त्याचं कॉमन टर्मिनल वोल्टेज असणार आहे दोन्ही मशीनचं व्ही व्ही वोल्ट्स, आणि तिथला इम्पिडन्स असणार आहे लोड इम्पिडन्स आपला झेड. लेट द जनरेटेड ई एम एफ ऑफ मशीन वन अँड टू बी. जनरेटेड ई एम एफ काय आहेत मशीन वन आणि मशीन टू चे? ई वन आणि ई टू रिस्पेक्टिवली. आणि सिंक्रोनस इम्पिडन्स पर फेज आहेत आपले झेड वन अँड झेड टू रिस्पेक्टिवली. सो दीज आर दी झेड वन अँड झेड टू synchronous impedances, right. Now the total current I, yahan pe jo total current hai I, total load current I is shared by two machines. ye do machines ne jo total current I ko share kiya hai, theek hai. total current load current I is shared by these two machines. supplying currents I1 and I2. ye do machines kaun se current supply kar rahe hain apne ko? I1 and I2 respective. Thus the load current load sharing can be expressed as. So load sharing ko kaise express kar sakte hain apan? Total current I is equal to I1 plus I2, kyunki yahan ye point pe aap KCL apply karoge to ye dono incoming currents hai aur ye outgoing current hai. To I is equal to kya formula likh sakte hain apan? I1 plus I2. Simply wahan pe phasor sum leni. Now the common terminal voltage can be obtained as. Common terminal voltage V कैसे ऑप्टेन करेंगे अपन? ये V है आपका, ठीक है. तो V कैसे ऑप्टेन करेंगे? E1 माइनस I1 Z1. E1 में से यहाँ का I1 Z1 ये माइनस करेंगे, ठीक है, तब अपने को V मिलेगा. या फिर आप E2 में से I2 Z2 माइनस करो तब भी आपको क्या मिलेगा? कॉमन टर्मिनल वोल्टेज V मिलेगा, ठीक है. सो V इज इक्वल टू E1 माइनस I1 Z1, or that is equal to E2 minus I2 Z2. So load sharing can be then given by. So load sharing ka formula kya likh sakte hain fir apan? I1. I1 ka formula yahan pe dikh raha hai aapko. Total current I ka formula likha tha apan ne, I1 plus I2. To I1 ka formula kya rahega? Ye formula se dekho. So V is equal to E1 minus I1 Z1 consider karna hai. To I1 ka formula kya likhenge wahan se? E1 minus V divided by Z1. Similarly, ये formula consider किया अपन ने, तो I2 का formula क्या लिख सकते हैं अपन? E2 minus V divided by Z2, ठीक है. तो ये अगर दोनों की addition की अपन ने, तो अभी क्या मिलेगा अपने को? Total current I की value. समझ लो equation. शुरुआतीला फक्त हेच equation घ्यायचं एवढं, त्यावरून I1 ची value काढायची, आणि next इक्वेशन मध्ये व्ही आणि हे इक्वेशन घ्यायचं ई टू मायनस आय टू झेड टू चं, त्यावरून आय टू ची व्हॅल्यू काढायची, ठीक आहे. आणि या दोघांची ऍडिशन केली तर काय मिळतं आपल्याला? तिथला टोटल करंट आय.
ठीक है। सो इट इज सीन दैट फॉर इक्वल ईएमएफ्स, इज ई1 इज इक्वल टू ई2 इज इक्वल टू ई, इक्वल ईएमएफ्स साठी द लोड शेयर्ड बाय अ मशीन इज इनवर्सली प्रपोर्शनल टू इट्स इंटरनल सिंक्रोनस इम्पेडन्स। या फॉर्म जर ई1 ई2 आणि ई हे इक्वल असतील, ई1 ई2 हे ईच्या इक्वल मध्ये असतील, तर जो लोड शेअर केलेला असेल मशीन ना तो इन्व्हर्सली प्रपोर्शनल असणार इथल्या इंटरनल सिंक्रोनस इम्पेडन्सच्या, म्हणजे I1 इज इन्व्हर्सली प्रपोर्शनल टू Z1 अँड I2 इज इन्व्हर्सली प्रपोर्शनल टू Z2। क्लियर आहे? तो ये है आपका लोड शेअर। नाउ फॉर एव्हरी अल्टरनेटर देर आर टू इनपुट्स आर अवेलेबल। कुठल्याही अल्टरनेटरसाठी दोन इनपुट अवेलेबल असतात। फर्स्ट वन इज द शॉक पॉवर इनपुट फ्रॉम प्राइम मूवर अँड सेकंड वन इज द एक्सायटेशन इनपुट फ्रॉम डीसी सप्लाय, एक्साइटेशन इनपुट फ्रॉम डीसी सप्लाय। ठीक है, तो ये दो इनपुट होते हैं कौन से भी अल्टरनेटर के लिए। अभी इफेक्ट ऑफ चेंज इन शॉक पावर इनपुट, अगर शॉक पावर इनपुट चेंज हो गया तो इसका इफेक्ट क्या हो सकता है वो देखेंगे। सो व्हेन शॉक पावर इनपुट टू अ मशीन इज इंक्रीज्ड इट्स एक्टिव पावर इनपुट इज इंक्रीज्ड। अगर शॉक पावर इनपुट जो है मशीन का वो अगर इंक्रीज हो गया तो वहां की एक्टिव पावर क्या हो जाएगी आपकी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, कुठल्या अल्टरनेटरला दोन इनपुट अवेलेबल असतात, एक म्हणजे शॉक पावर आहे, शॉक पावर जे इनपुट प्राइम मूवर कडून येणारी आहे ती, आणि सेकंड आहे एक्साइटेशन इनपुट फ्रॉम द डीसी सप्लाय। त्यामध्ये आपण पहिला इफेक्ट पाहतोय, शॉक पावर जर चेंज झाली तर काय इफेक्ट होतो, तर शॉक पावर जो आहे इनपुट मशीनची, शॉक पावर जे आहे, शॉक पॉवर इनपुट जे आहे मशीनचं ते जर इन्क्रीज झालं तर ऍक्टिव्ह पॉवर सुद्धा काय होते तिथे इन्क्रीज होते। अँड सेम द मशीन्स आर सिंक्रोनाइज और वहां के आपके मशीन अगर सिंक्रोनाइज आहे देअर स्पीड कॅनॉट, उसकी स्पीड चेंज नाही होत। बट द ईएमएफ ऑफ द मशीन विच रिसीव्स ऍडिशनल ऍक्टिव्ह पॉवर थ्रू शॉक गेट्स ऍडव्हान्स ड्यू टू द अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ इट्स रोटर। आपकी मशीन सिंक्रोनाइज रहे तो उसकी वजह से आपकी जो स्पीड है मशीन की वो चेंज नहीं होती है, बट वहाँ पे क्या होता है कि जो मशीन का ईएमएफ, बट द ईएमएफ ऑफ द मशीन विच रिसीव्स एडिशनल एक्टिव पावर, जो मशीन एडिशनल एक्टिव पावर को रिसीव करती है उसका ईएमएफ जो है, एडिशनल पावर रिसीव कहाँ से करती है मशीन, टू शॉक गेट एडवांस ड्यू टू द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ रोटर। वहाँ वो शाफ्ट से आपकी मशीन क्या करती है एडिशनल एक्टिव पावर को रिसीव कर सकती है और वहाँ पे गेट एडवांस ड्यू टू द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एडवांसमेंट ऑफ इट्स रोटर, एंगुलर एडवांसमेंट ऑफ इट्स रोटर, एंगुलर एडवांसमेंट जो होता है रोटर का, ठीक है, उसकी वजह से जो शाफ्ट है वो शाफ्ट से आपकी मशीन क्या करती है एडिशनल एक्टिव पावर को वहाँ रिसीव करती है और उस मशीन का ईएमएफ क्या होता है वहां पे चेंज होता है। ठीक है, तो बट द ईएमएफ ऑफ द मशीन विच रिसीव्स एडिशनल एक्टिव पावर थ्रू शॉक गेट एडवांस, वो मशीन क्या होती है आपकी एडवांस होती है। ठीक है, जो मशीन क्या करती है एडिशनल एक्टिव पावर जो है शॉक से रिसीव करती है वो एडवांस होती है, क्योंकि एंगुलर एडवांसमेंट ऑफ इट्स रोटर, उसका जो एंगुलर एडवांसमेंट है रोटर का उसकी वजह से वो मशीन क्या होती है एडवांस होती है। सो कॉन्सिक्वेंटली द एक्टिव पावर ऑफ आउटपुट ऑफ द मशीन भी इंक्रीज, उसकी वजह से एक्टिव पावर का जो आउटपुट है मशीन का वो भी इंक्रीज होता है। समझना, याच्यामध्ये फर्स्ट पॉइंट काय दिला, व्हेन द पॉवर इनपुट टू द मशीन इज इंक्रीज, जे पॉवर इनपुट देतो आपण मशीनला ते जर इंक्रीज झालं तर तिथली ऍक्टिव्ह पॉवर सुद्धा इन्क्रीज होते। आणि इथं आपल्याला माहित आहे मीन्स मशीन आर सिंक्रोनाइज, मशीन इथल्या सिंक्रोनाइज असल्यामुळं त्यांची स्पीड ही चेंज होत नाही, पण जी मशीन ऍडिशनल ऍक्टिव्ह पॉवर रिसीव्ह करते शॉककडनं तिचं ईएमएफ हे ऍडव्हान्स होतं, कारण तिथलं अँग्युलर ऍडव्हान्समेंट आहे त्या रोटरची, त्या रोटरची अँग्युलर ऍडव्हान्समेंट असल्यामुळं ती मशीन ऍडिशनल ऍक्टिव्ह पॉवर काय करते शॉक करून घेत असते
त्यामुळे ती मशीनचं ई एम एफ आहे ऍडव्हान्स, ठीक आहे. आणि कॉन्सिक्वेन्सली त्याची ऍक्टिव्ह पॉवर जी आउटपुट जे आहे मशीनचं ते इनक्रीज होतं. So thus by changing the shaft power input of the alternator, that is the load or active power output taken by the alternator can be modified. त्यामुळे आपण इथले शाफ्ट पॉवर इनपुट जे आहे अल्टरनेटरचं ते चेंज करून इथला लोड जो आहे अल्टरनेटरनं घेतलेला तो सुद्धा मॉडिफाय करू शकतो आपण. बट द रिएक्टिव्ह पॉवर शेअरिंग रिमेन सेम, बट रिएक्टिव्ह पॉवर शेअरिंग ही सेम राहते, ठीक आहे. देन सेकंड आहे उसमें का व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंजिन एक्साइटेशन. अगर एक्साइटेशन जो है उसमें अगर चेंज होता है तो उसका इफेक्ट क्या होता है. So when the excitation of the alternator is increased, अगर excitation alternator का increase हो गया तो then the EMF of that alternator is increased. तो वो वहाँ के alternator का EMF भी क्या होता है, increase होता है, ठीक है. अगर excitation of alternator का increase होने पर alternator का EMF से बता गए increase हो, and consequently the current shared by the alternator is increased. आणि त्यामुळे इथला जो करंट शेअर होतोय अल्टरनेटरनं केलेला तो सुद्धा काय ते इन्क्रीज होईल. करंट जो शेअर कर रहा है अल्टरनेटर वो भी क्या हो जाएगा, तो इंक्रीज हो जाएगा. बट द पावर फैक्टर ऑफ द करंट इज सो चेंज, लेकिन वहाँ का जो पावर फैक्टर है करंट का वो चेंज होता है दैट द एक्टिव पावर आउटपुट रिमेंस अनचेंज, क्योंकि एक्टिव पावर आउटपुट जो है वो अनचेंज होता है. तो उसकी वजह से जो पावर फैक्टर है करंट का वो क्या होता है, चेंज होता है. So however the reactive power output of the alternator is increased, or reactive power jo output jo hai of the alternator ka wo bhi increase ho jayega, theek hai. To matlab jo power factor hai current ka wo change hona raha hai, current itna hai to power output here remains unchanged rehna raha hai, and tamo hai reactive power output jo hai alternator se kya ho raha hai, increase ho raha hai, theek hai. ऍक्टिव्ह पॉवर आउटपुट अनचेंज आहे आणि रिएक्टिव्ह पॉवर आउटपुट अल्टरनेटर चा इन्क्रीज होत आहे. हे दोन पॉइंट इथे लक्षात ठेवा, ठीक आहे. नाउ दस बाय चेंजिंग द एक्साइटेशन द पॉवर फॅक्टर ऑन रिएक्टिव्ह पॉवर शेअरिंग कॅन बी मॉडिफाइड. त्यामुळे आपण तिथलं एक्साइटेशन चेंज करून तिथलं पॉवर फॅक्टर आणि रिएक्टिव्ह पॉवर जो शेअर होते ती काय करू शकतो, आपण मॉडिफाय शकतो. बट ऍक्टिव्ह पॉवर शेअरिंग पण ऍक्टिव्ह पॉवर जी शेअर होती ती इथं सेम राहणार. इथं आपण वरती पाहिलं की रिएक्टिव्ह पॉवर शेअरिंग सेम राहत होती, इथं आता ऍक्टिव्ह पॉवर जी शेअर होती ती रिमेन्स सेम राहणार, क्लिअर आहे. दिस इज द डिफरन्स बिटवीन इंजिन एक्साइटेशन अँड इंजिन शाफ्ट पॉवर, क्लिअर आहे. ओके, सो विल स्टॉप हियर, राईट. And we will see the factors affecting the terminal voltage in the next lecture, right? So we will meet in the next lecture. Thank you very much for watching this video lecture.